राजधानी जयपुर के आरएएस क्लब में फर्स्ट इंडिया का संवाददाता सम्मेलन और गेट टुगेदर हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी रिपोर्टर्स और स्टिंगर्स ने भाग लिया। राजस्थान के सभी संवाददाताओं ने अपने अनुभव साझा किए और चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमेशा की तरह बेहतरीन कवरेज का संकल्प लिया। सम्मेलन को लेकर सभी रिपोर्टर्स और स्टिंगर्स में खासा उत्साह नजर आया और कोने कोने से लंबी दूरी तय कर पहुंचे संवाददाताओं ने डॉक्टर जगदीश चंद्र का वेलकम करते हुए नजर आए। खबर ही सांस है, खबर ही जीवन है और अब वक्त है युद्धकालीन पत्रकारिता का, क्योंकि फर्स्ट इंडिया सबसे आगे और सबसे पहले खबर प्रसारित करता है। ये फर्स्ट इंडिया की टीम की स्ट्रेंथ का ही नतीजा है कि आने वाले 6 महीने और भी अहम है। कुछ ऐसे ही चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने फर्स्ट इंडिया की टीम का हौसला बढ़ाया। मौका था फर्स्ट इंडिया मीट एंड गेट टुगेदर का। राजस्थान के कोने कोने से लंबी दूरी तय कर रिपोर्टर्स और स्टिंगर्स पहुंचे और फर्स्ट इंडिया की टीम में मीट को लेकर खासा उत्साह नजर आया। पूरी टीम ने सुझावों को साझा किया और खबरों की दुनिया में नंबर 1 बने रहने का संकल्प लिया। इस मौके पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने सभी का हौसला बढ़ाया और कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ही राजस्थान में एक चैनल है जिसकी पहुंच हर तहसील हर घर तक है। खबर ही जीवन है कि पंक्तियों को फिर से दोहराता तो अनिल भाई, तुमने वो सारा काम मेरा कर दिया जो कहते हैं, और उसको मुझसे भी ज़्यादा सुंदर ढंग से कर दिया। घटनाओं को डाउन द मेमोरी लेन ले जा करके मुझे भी उस यात्रा का एक यात्री और भागीदार बना के अतीत की स्मृतियों में मैं भी गया और सब याद किया। और 2018 बल्कि 2008 से गए हम, जब से आए हम लोग ईटी में आए थे, तब से आज तक हमने खबर पे स्ट्रेस करने के लिए जो जो वाक्य बोले, जो जो नारे ढूंढे, खबर ही जीवन है। आज आपने नया नारा दिया, उसे सुधार, खबर ही सांस है। एक नया कंसेप्ट फिलोसफी और एक नया जो है एक नया नरेटिव आपने बताया कि चुनावकालीन पत्रकारिता, युद्धकालीन पत्रकारिता लिखते थे ये बताया था, युद्धकालीन पत्रकारिता, बहुत अच्छा स्लोगन है। और ये चुनौती होगी आप सबके लिए, क्योंकि चैनल में वैक्यूम आ जाएगा सुपर एक्सक्लूसिव वर्ड लिखने का, उस वैक्यूम को भरना आपका काम है, डेस्क का काम है। तो उस चुनौती को भरना जो है ये रवि का काम है, आपका काम है, और लक्ष्मण राघव नहीं है, उनका काम है सब जो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2008 से लेकर आज तक हम जो खबर के बारे में जो कहते रहे, तो अनिल भाई ने उन सारी बातों को बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से घटनाओं के साथ इतने अच्छे ढंग से कहा। इस मौके पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा खबर ही सांस है और खबर ही जीवन है के सिद्धांत पर रहते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी टीम का एक एक सदस्य हमेशा खबर के लिए तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव का महासंग्राम आने वाला है, ऐसे में हमें हमारे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्रदेश की 200 विधानसभाओं की पल पल की खबर आम जनता तक पहुंचानी है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा ने भी अपने विचार रखे। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ किए गए काम का अनुभव उन्होंने साझा किया और कहा कि एक पत्रकार का सब कुछ खबर ही है, एक छोटी बात भी बड़ी खबर बन सकती है और हर खबर पर पत्रकार की नजर होनी चाहिए। वहीं अनीता हाजा ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश की सबसे मजबूत, सबसे विश्वसनीय पत्रकारिता की टीम जेसी टीम है। फर्स्ट इंडिया खबरों के मामले में राजस्थान का नंबर 1 चैनल है। डॉक्टर जगदीश चंद्र के निर्देशन और सभी संवाददाताओं की मेहनत का परिणाम है। इस मौके पर सभी संवाददाताओं से रूबरू होते हुए एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज आज हर खबर को सबसे पहले जनता तक पहुँचा रहा है।
चुनाव जब सामने तो युद्ध की तरह लड़ना चाहिए चुनाव को अपने को। ये अवसर 5 साल में एक बार आता है, आपको अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका देता है। आप में क्या काबिलियत है, क्या दबी हुई छिपी हुई संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, उसको आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जिस व्यक्ति की लीडरशिप में काम कर रहे हैं वो काम करने की लगभग लगभग पूरी आज़ादी देते हैं, जितनी आज़ादी शायद आम तौर पर मीडिया में नहीं मिलती है, ठीक है ना। इसलिए आज़ादी और आज़ादी के साथ साथ साधन दोनों का इम्पोर्टेंट। आपको गाड़ी चाहिए और दो बार पूछना पड़े गाड़ी है कि नहीं है और गाड़ी हायर कर लूँ कि नहीं कर लूँ, ये नहीं। यहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स में हम लोग JC सर के अंडर इस चैनल को टॉप पर लेकर आए हैं। एक साल हमारा स्ट्रगल का था लेकिन उसके बाद हम लोग 100% टॉप पर रहे हैं। मोस्ट वॉच्ड चैनल इन राजस्थान, नंबर 1 अर्बन रूरल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक फर्स्ट इंडिया पर खबर चल नहीं जाती तो इंसान को लगता है कि वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। मेरी बीट नहीं है, मेरी कवरेज नहीं है, इसको भेज दो उसको भेज दो, तो भैया वो समय चला गया है, चुनाव का समय है। चुनाव में हम सबको एकजुट होकर उतरना होगा। राजनीति में पार्टियाँ एकजुट नहीं होती है, चैनल भी एकजुट होता है, तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा मैदान में, तब जाकर हम सफल होंगे। और फिर वही 5 साल जो पहले इतिहास दोहराया था वही इतिहास इस बार दोहराएंगे हम। तो मेरी यही सबसे आशा उम्मीद है हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय JC सर का मैं ताली बजाकर स्वागत करूँगा, सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करूँगा। चुनाव सामने हैं, भूले बिसरे नगमे भी समय के साथ साथ अपने आप को ढालता है और अपना योगदान देता है जो लहर बह रही है उसके अंदर जाने के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और ख़ास तौर से यहां पे मंच पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग, वैसे तो हर इंसान इम्पोर्टेंट है, हम लोग सब एक भवन है जिसकी ईंट है, एक एक करके ईंट करके ऑर्गेनाइजेशन बनता है। आज भी सर हमारे साथ हैं, जगदीश सर का मार्गदर्शन हमें रोज़ाना मिल रहा है, पूरी टीम यहाँ पर है, युवा टीम है, सभी दिग्गज जिनको राजस्थान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पॉलिटिकल नज़रिए से सशक्त माना जाता है, वो सभी हस्ताक्षर, मजबूत हस्ताक्षर फर्स्ट इंडिया टीम के साथ हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी जो हमने विषय शुरू किए वह इस बार भी TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। आज भी कोई आज तक से, कोई ABP से, बड़े बड़े चैनल से जो पत्रकार आए हैं वो यही ढूंढते रहते हैं कि भाई ऐसा है क्या फर्स्ट इंडिया के पत्रकारों में। रोज़ हर बैठक में हम यही सुनते हैं कि काम सीखना है तो ट्रेनिंग लेने चले जाओ, चाहे कहीं भी कोई भी नाम ले लिया जाए। तो जब हमारा परसेप्शन इतना ज़बरदस्त है तो हमें काम भी वैसा ही करना होगा। बहुत सारा कॉम्पिटिशन भी आ गया है और पता है कई आए कई चले गए और आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमें अपना काम करते रहना होगा। मेहनत तभी सफल होती है जब नेतृत्व वैसा हो, तो लीडरशिप जब हमारे साथ होती है और ऐसी मजबूत लीडरशिप जिसके कह सकते हैं वटवृक्ष के नीचे हम सब एक पौधों के तौर पर आगे बढ़े और आज इस रूप में आप सब हम लोग खड़े एक परिवार की तरह, और यही कोशिश आगे जारी रहनी चाहिए। अभी मैडम ने जो बात की, श्वेता जी ने बहुत ही अच्छे से बात की, विजेंद्र ने कहा, निर्मल जी ने कहा, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए यही कहना है कि अब लक्ष्य इलेक्शन है। JC यानी जगदीश, और जगदीश और जीत की एक ही राशि है। जब हम बात करते हैं कि उस टीम की, जगदीश चंद्रा की टीम की, JC टीम की, तो जैसा मैंने कहा कि जगदीश और जीत एक ही राशि है और ये तो एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। इनकी उपस्थिति मात्र से जो प्रेरणा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और एक ऐसा अदृश्य बटन अभी यहाँ पर है इस स्टेज के ऊपर जिसको आकर वो ऑन करेंगे अभी, और वो होगा चुनावी मोड का ऑन होना। आपके पास तमाम खबरें होती हैं और निश्चित तौर पर सर्वश्रेष्ठ खबरें होती हैं, क्योंकि आप एक ऐसी टीम से जुड़े हो जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, 1 से 10 तक हम ही हैं। इस बात का हमें गर्व तो है लेकिन अभिमान हमको नहीं करना, अहंकार नहीं आना है हमारे के अंदर। 2018 में जब हमने फर्स्ट इंडिया ज्वाइन किया उस दौरान एक जज्बा, एक जुनून आप सभी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से था, जिसकी बदौलत फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आर राजस्थान का नंबर 1 चैनल हुआ। तो जहां भी बात होती है, चाहे पॉलिटिकल बात की जाए, चाहे खबरों में नंबर 1 की बात की जाए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वहां फर्स्ट दिखाई देता है।
लेकिन अब चुनाव का समय है, हमने एक चुनाव देखा, अब दूसरा चुनाव है। पैशन ज़्यादा बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात है कि हम समझते हैं कि हमें जो करना है वो सबसे अलग करना है, बेस्ट करना है, क्योंकि हम जेसी टीम का हिस्सा है सर, ये बात ही हम लोग को और बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। दूसरी हम बात की, ठीक है चैनल्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जेसी टीम है, कोई भी आता है चैनल में तो ये कहता है कि यही जेसी टीम है, सर के साथ साथ चलती है। क्यों चलती है हमें भी पता है कि हम कैसे पहले से, 10 साल पहले हम बात करें, आज की डेट में बात करें, हम बदल गए हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं नया करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉस ही करते हैं, जब वो बैठते नहीं हैं तो हम कैसे बैठ सकते हैं। जहाँ सर होते हैं वहाँ एक एक्सपेक्टर होता है, और वो एक्सपेक्टर हर इलेक्शन में हमने देखा है। मुझे लगता है कि हम आज जो मिले ना, क्योंकि हाल ही में एक फिल्म आनी है जो रामायण पे बेस्ड है, और उसमें एक कैरेक्टर है जामंत, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको शक्तियाँ याद दिलाने के लिए जामंत की भूमिका में मीटिंग है। राजधानी जयपुर में आरएएस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र का काफी क्रेज देखने को मिला। समारोह के दौरान शामिल होने वाले सैकड़ों संवाददाताओं में डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। संवाददाताओं ने डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ सेल्फी ली। कार्यक्रम में राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोझा, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर, ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी, एडिटर कोऑर्डिनेटर महेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया के डिजिटल हेड शिशिर अवस्थी, एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा अवस्थी, एसोसिएट एडिटर विजेंद्र सोलंकी भी मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर सभी संभागों के संभाग प्रभारी जिला संवाददाताओं ने कार्यक्रम में अपने अपने अनुभव साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।